जरा देर ठहरो राम तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी नमस्कार। मैं ब्रजेंद्र कुमार, इस वक्त हम जैसी नगर के प्रसिद्ध बड़े महादेव मंदिर में मौजूद है। आप देख सकते हैं यही हुआ नवनिर्माण कार्य हुआ है, लगभग 125 करोड़ की लागत से 33 महीने चला निर्माण कार्य अब पूरा हो चुका है और भगवान भोलेनाथ सा परिवार प्राण प्रतिष्ठा जारी है। हमारे साथ जैसी नगर की कुछ स्थानीय महिलाएँ भी हैं, उनसे बात करेंगे आखिर जो सपना था पूरे जैसी नगर वासियों का वो साकार हुआ है। क्या नाम है आपका? सरस्वती सोनी। जो भगवान भोलेनाथ हैं आप गर्भगृह में विराज जाएंगे, जो सपना था पूरे जैसी नगर वासियों का, खास तौर से महिलाओं की, तो सबसे प्रिय देवता कहलाते हैं भगवान भोलेनाथ, क्या कहेंगे आप? अरे बहुत अच्छा हुआ, हम लोग को यहाँ आते थे तो अभी भगवान बाहर बैठे हुए थे तो बहुत ख़राब लगता था, तो भगवान बाहर बैठे हम लोग को तो इतना बड़ा बड़ा घर दिया भगवान बाहर, अब बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा कभी सोचा नहीं था जैसा हो गया है। पहले कैसा था मंदिर? आप तो पहले भी आती थी, अब क्या अंतर है? बहुत स्थिति ख़राब थी, मंदिर बहुत जर्जर था, कभी लगता था कि मंदिर की कहीं छत ना गिर जाए, कोई दीवार ना गिर जाए, बहुत जर्जर थी मंदिर की हालत, अब बहुत अच्छा बन गया। कल भगवान भोलेनाथ पूरे जैसी नगर का भ्रमण करेंगे, क्या कहेंगे कल, क्या तैयारी है? कल घर घर कलश धराए जाएंगे, चौक पर आएंगे, भगवान के घर आने की तैयारी में हम लोग सब लगे रहेंगे और क्या। तो काफ़ी उत्साह दिख रहा है महिला में, और भी महिलाएं बात करेंगे, क्या नाम है आपका? विनीता चौरसिया। अच्छा, कैसा लग रहा है भगवान भोलेनाथ अब राज जाएंगे इस भव्य मंदिर में, क्या कहेंगे? पास तो कुछ शब्द भी नहीं है, भजन सुना दीजिए भगवान भोलेनाथ का। भगवान जी का कौन सा एक लोटा जल सब समस्या का हल है, और बहुत ही सुंदर लग रहा, बहुत अच्छा लग रहा है, और ऐसा लग रहा बिल्कुल कैलाश पर्वत जैसे, कल भ्रमण होगा तो बहुत अच्छा। कल की क्या तैयारी कर रखी है जो महिलाएं हैं सभी, तो कल क्या अपने दरबार में कलश रखना है, सजावट करना है, रंगोली डालना है, सब महिलाओं को ऐसा ही करना है। काफ़ी अलग अलग स्थानों से जैसी नगर से आई हैं, क्या नाम है आप? मेरा नाम पूजा कोरी है। अच्छा, क्या कहेंगी आप, कैसा लग रहा है? हम तो कहेंगे हमारे जैसी नगर में तो गुलशन बरस रहा है, बिल्कुल भोलेनाथ का इतना आशीर्वाद बरस रहा है कि जैसी नगर में ऐसी कृपा हुई है कि पहले पशुपतिनाथ की स्थापना हुई, अब बड़े वाले महादेव जो मंदिर हमने कभी सोचा नहीं था वो इतना विकसित हुआ है, और इतना अच्छा नहीं लग रहा है मंदिर में देखने से कि जो सिटी में मिलते थे वो मंदिर आज हमें गाँव में देखने के लिए मिले हैं। ऐसे मंदिर हम लोग तीर्थों पर जाते थे जब हम लोगों को मिलते थे, लेकिन आज हमारे गाँव में ऐसा मंदिर बना, हमें इतनी खुशी हो रही है कि ये लग रहा है कि जैसी नगर में कहीं भगवान का गुलशन ही ना बरसा हो। और कल अगर यात्रा की तैयारी की बात करें तो यात्रा भी ऐसी हो कि भव्य रूप से निकले, कि भगवान भोलेनाथ स्वयं अपनी यात्रा में ऐसे शामिल हो कि वे भी हमारे संग नाच उठें। कुछ भजन हो जाए आपको, कुछ भगवान भोलेनाथ के प्रति जो आस्था है कुछ भजन हो जाए। मैं प्रदीप मिश्रा जी का एक भजन गाना चाहूंगी, कि भजन कौन सा है? इतनी खुशी है कि भजन ही भूल गया है। याद कर लीजिए जब तक और बात करेंगे, कुछ बेटा बेटी भी आई है, क्या कहेंगे आप? हम भजन गाना चाहेंगे। कौन सा भजन? हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। तो काफ़ी उत्साह देखने मिल रहा है, आप महिलाओं के चेहरे देख सकते हैं कितना उत्साह है, आखिर जो सपना था पूरे जैसी नगर वासियों का वो साकार हो रहा है। अब हम भजन सुनेंगे, इनकी इच्छा है महिलाओं की कि हम भजन सुनाएं, तो कौन सा भजन सुनाएंगे आप? हरि ओम में ओम समाया है मेरा, ओम समाया है मेरा, बोला नगर की जा।
महादेव के जयकारे के साथ एक महिलाओं ने एक प्यारा सुंदर भजन सुनाया है। आप देख सकते हैं, हम अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे पीछे जो दिव्य भव्य मंदिर बना है उसके भी यहाँ पर तस्वीरें दिखाएं। आप देख सकते हैं जैसी नगर का मंदिर है, आप कल्पना भी नहीं कर सकते थे पहले क्या स्थिति थी, और यह लगभग 125 करोड़ की लागत से 33 महीने में यह मंदिर बनकर तैयार हुआ है। क्षेत्र के विधायक और प्रदेश के राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत और उनके बड़े भाई हीरा सिंह राजपूत और क्षेत्रवासियों के सहयोग से इस मंदिर का कायाकल्प हुआ है। कैमरा पर्सन राम प्रजापति के साथ मैं ब्रजेंद्र अखबार, साधना दीप, जयसी नगर।